उनको अनम्यूट करें प्लीज और वो अपना सवाल करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा आपसे ये सवाल है कि बोलते मौत फिक्स्ड है, मतलब मौत आनी है, अगर वो उस मुकर्रर वक्त पर है तभी आती है या फिर किसी के दुआओं से टल सकती है? मौत तो अपने वक्त पर ही आकर रहेगी, तो इसे इसको समझने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि एक है क्या तकदीर मुअज्जल के फला ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, फला के लिए फला दुआ करेंगे तो उसकी उम्र इतनी होगी। वो अल्लाह को पता है कि कौन किसके लिए दुआ करेगा और उसकी वजह से कितनी उम्र की जाएगी। तो अल्लाह का जो इल्म है कि फला की मौत फला वक्त में होगी, उसमें कोई कमी बेशी नहीं होने वाली है किसी की भी दुआ से। हाँ, ये जो सिला रहमी से उम्र में इजाफा जो होना है, ये कहते हैं कि सिला रहमी से उम्र में इजाफा होता, वो अल्लाह को पता है कि फला सिला रहमी करेगा जिसकी वजह से इसकी उम्र में इतना इजाफा होगा। तो जो अल्लाह ने मुतय्यन कर दिया है उसमें कोई रद्द बदल होने वाला नहीं है। दुआ हो ये सिला रहमी हो, उससे जो कुछ फर्क पड़ता है वो बस वो फरिश्ते के इल्म के एतबार से, कि फरिश्तों को पता नहीं है कि कौन क्या करेगा जिसकी वजह से किसकी उम्र में कितना इजाफा होगा, मगर अल्लाह के नज़दीक तो मुतय्यन है और वही कहा गया है कि अल्लाह ने जो वक्त मुतय्यन कर दिया है उसी वक्त पर आकर रहेगा। तो जिस हदीस से सिला रहमी से मसलन उम्र में बढ़ने का की जो हदीस आती है उसका मतलब ये होता है कि फरिश्तों के एतबार से, कि फरिश्ते को पता नहीं है कि कौन सिला रहमी करेगा और इसकी उम्र कितनी चली जाएगी, जब वो करता है तो फिर उनको पता चलता है कि हाँ इसकी उम्र तो इतनी बढ़ा दी गई है। ये मफहूम है हदीस का।